और अकरम ने अपने अंतिम प्रयत्न में गेंद को अपने एक हाथ से लपक लिया और इस बेहतर कैच की बदौलत अश्विन की छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। अश्विन का विकेट जरूर गिर चुका है लेकिन वो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा परिस्थिति को अपने काबू में कर चुके अपने टीम के लिए और 7 रन न चाहिए विजय के लिए जबकि इस वक्त गेंदे बाकी है 13 और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ रंजीत और एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं स्नेहा मालेमार की ओर से इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए शरद न जबकि रंजीत अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त सपना करने के लिए तैयार लगभग 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है 4 खिलाड़ी कहना पड़ेगा और इस बीच पहले अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार शरण दानिया तो ऊपर विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा एक्स्ट्रा क्विकर गेंद परफेक्ट लेग कटर ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए आखिरकार गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर नंबर 4 हैज बीन गेम स्टोन एंड 27 ऑफ द बोर्ड 3 विकेट्स लॉस्ट फॉर स्नेहा मालेबार स्टिल दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है कमबैक का करना है तो टोरपेडोस काना को अब ऐसा कहना पड़ेगा दे नीड सच एन मैजिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस इन दिस रिमेनिंग लास्ट 2 ओवर्स। और देखते हैं इन 12 गेंदों में 7 रन रोकने के लिए बनाने से रोकने के लिए टोरपेडोस काना के गेंदबाजी में कौन सा अस्त्र का प्रयोग यहां पर करते हैं। और जहां तक सवाल है अश्विन ने जिन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बेहतर फेंका था 6 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त की थी और अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर 34 रनों का लक्ष्य 7 रन चाहिए विजय के लिए 12 गेंदें बाकी और लगभग इस वक्त 5 खिलाड़ी कहना पड़ेगा कुछ हद तक आक्रामक फील्डिंग इस वक्त सजाई है अश्विन ने दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है ये गेंद इस बार अंदर की ओर आते गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा कोई जल्दबाजी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है और इस बात को स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज जानते हैं और इस वक्त एक सेंसिबल क्रिकेट अपनाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए 1 रन का इजाफा 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर अश्विन ने एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रंजीत अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच अश्विन की गेंद रंजीत के लिए लेग स्टंप से बाहर शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा स्पेक्ट्रा वाइड और वाइड के रन के साथ इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा द थिंग्स गेटिंग मच ईजियर नाउ एट दिस सिचुएशन फॉर स्नेहा मालेमार। गेंदबाज अश्विन ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद ओ बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम जब द बॉल मिसिंग जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद को इस वक्त कट करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 29 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है द स्कोर बोर्ड इज 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 5 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 डिलीवरीज और गेंदबाज अश्विन एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सुबह से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है तो इस वक्त अश्विन तैयार और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी अश्विन ये गेंद इस वक्त गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा नॉट कैन दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। बीएमआर ग्रुप के मालिक जनाब दाऊद इस वक्त विदेश दुबई से इस मैच का मुआयना करते हैं और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है इस श्रृंखला के सफलता के लिए और इस बार गेंद को उछाला लंगों पर और लंगों पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्नेहा मालेमार विजय के और रन निकट यहां पर हो चुका है सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर शायद यहां पर एकमात्र रन मिलेगा और 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड जस्ट 1 रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 बॉल्स और स्नेहा मालेमार ऐसा कहना पड़ेगा विजय के द्वार पर इस वक्त आकर रुक चुका है अश्विन again on side par at this time he just finished the match in a style with a 6 to छक्के के साथ इस मैच को समाप्त कर चुके रंजीत और इस छक्के के साथ स्नेहा मालेमार रजिस्टर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट टोरपेडोस काना इन द मैच नंबर 2 ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2024। इस श्रृंखला का पहला छक्का फर्स्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट केम फ्रॉम द बैट ऑफ रंजीत और इस छक्के के साथ स्नेहा मालेमार इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। तो दूसरा मैच इस बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत समाप्त हो चुका है। तीसरा मैच वन मोर गुड मैच इज नॉट कमिंग अप इनफैक्ट इट्स वन मोर बिग मैच इनफैक्ट एनएम मैंगलोर विल टेक्स ओवर केजीएफ और
इन दो प्रतिष्ठित टीमों के बीच इस वक्त मैच शुरू होगा, एक बड़ा मैच, बिग मैच, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में श्रीमान समीर मलार के साथ, जब यहाँ पर अगले मैच की शुरुआत होगी। बिग मैच कहना पड़ेगा, बड़ा मैच यहाँ पर शुरू होगा एन एम मैंगलोर और KGF के दरमियान। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, नाम विश्राम फॉर ब्रेक, थैंक यू, धन्यवाद। KGF ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So welcome back, and once again thank you so much Gopi sir. The news from the center, KGF Kings won the toss and